कैसे हैं आप लोग। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं अपनी एनएस की टेल टाइडी मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। उसके लिए जो है आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, और कैसे मैं क्या करूंगा वो सब आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेंगी ये दो पत्ती जो मैं लेके आया हूँ, और ये जो है पहले बिल्कुल सीधी थी, बाद में मैंने अपने हिसाब से बेंड की है। तो इनसे ही मैं टेल टाइडी मॉडिफाई करूंगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं इसमें इंडिकेटर नहीं लगाने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट लगाऊंगा। तो अगर आपको देखनी है कि जिस वीडियो में मैंने इंडिकेटर और नंबर प्लेट दोनों लगाए थे उसकी मैंने टेल टाइडी मॉडिफाई की थी, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग एक बार जाके जरूर देखें। तो ये जो पत्ती है मुझे पड़ी है 10 रुपए की एक, यानी दो लेके आया हूं तो ये 20 रुपीज की पड़ी है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अभी टेल टाइडी कुछ ऐसी है। तो अभी टेल टाइडी कुछ ऐसी है। तो पहले क्या करना है कि इसके इंडिकेटर जो है अंदर से सीट खोल के हमको डिस्कनेक्ट कर लेने हैं, और फिर उसके बाद ये जो एलएमकी के बोर्ड लगे हुए हैं ये वाले, इनको खोल लेना है। तो पहले इसको टेल टाइडी को खोल लेते हैं। तो अभी इंडिकेटर डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको ये जो दो सॉकेट लगे हुए हैं इनको निकाल देना है। तो ये मैंने इंडिकेटर डिस्कनेक्ट कर लिए हैं, फिर उसके बाद नीचे के जो बोल्ट लगे हुए हैं एलएमकी के, मेरे पास एलएमकी का सेट है तो उनको खोल लेते हैं। तो ये जो एलएमकी का बोल्ट है मैं इनको खोल लेता हूं। पहले इसमें लगेगी 6 नंबर की एलएमकी। अभी मैंने टिल्ट आईडी निकाल ली है, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि बाइक अभी फिलहाल में कैसी लग रही है। तो आप देखिए, तो अभी मतलब एक बढ़िया सा लुक आ रहा है पीछे से। तो अब मैं लगाऊंगा इसमें जो अपनी टिल्ट आईडी बनाऊंगा वो लगाने जा रहा हूं मैं इसमें। तो अभी करना क्या है, ये जो मेरे पास दो एलएमकी के बोल्ट हैं जो मैंने अभी टिल्ट आईडी में से निकाले हैं, इनको वापस जो है ऐसे करके क्लिप में डाल के और यहां पे लगा देना है। तो अभी ये जो क्लिप्स हैं कुछ ऐसी लग रही हैं, और अभी मैं जाऊंगा नंबर प्लेट बनवाऊंगा इसके हिसाब से, फिर नंबर प्लेट लगवाने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसा लुक आएगा। तो पहले चलते हैं नंबर प्लेट बनवाएंगे। तो अभी मैं नंबर प्लेट बनवा के ले आया हूं, और नंबर प्लेट कुछ ऐसी है। अभी बाइक में लगाता हूं फिर आपको दिखाता हूं कि कैसी लगती है। तो गाइस फाइनली अभी नंबर प्लेट लग चुकी है बाइक में, आप देख सकते हैं कि अभी ये कैसी लग रही है। और इंडिकेटर मैं लगाऊंगा इसमें एलईडी इंडिकेटर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के मैंने नंबर प्लेट लगा दी है, आप देख सकते हैं कैसी लग रही है, और हो सकता है मैं ग्रैब हैंडल्स इसके निकाल दूं तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो गाइज आई होप आपको ये मेरा टिल्ट आईडी अच्छी लगी होगी, और ये जो मतलब टोटल खर्च आया है इसमें टिल्ट आईडी को मॉडिफाई करने में वो आया है 60 रुपीज। 20 रुपीज की जो मैं पत्ती लेके आया था, और लगभग 40 रुपीज की नंबर प्लेट बनी है। अभी इसमें जब मैं एलईडी इंडिकेटर्स लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं कैसे लगाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। तो अभी जो है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो होगा वो मेरा शायद एलईडी इंडिकेटर्स होगा, या फिर और कुछ भी हो सकता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। और गाइज मेरा मेन मोटो जो है इसको टिल्ट आईडी को मॉडिफाई करना इसलिए था क्योंकि एक तो एक पीछे से बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, दूसरी बात यह है कि जो इसकी स्टॉक टिल्ट आईडी होती है वो कुछ खास नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने टिल्ट आईडी इसकी मॉडिफाई कर दी है। हालांकि ये लीगल नहीं है लेकिन फिर भी अपने को तो अच्छी लगती है ना। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।